तो नमस्कार दोस्तों, आज हम निकले हैं सुबह सुबह नैमिषारण्य की यात्रा पर। तो नैमिषारण्य की हमारी इस एक्सप्लोरेशन जर्नी का दूसरा दिन है, और पहले दिन हम गए थे भगवान शंकर के मंदिर जिसे मानेश्वर कहते हैं, और आज हम चले हैं फिर से एक्सप्लोर करने। देखते हैं जो भी मंदिर मिलेंगे या जो भी अच्छे दर्शनीय तीर्थ या स्थान मिलेंगे उनका दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे आपको भी, और उसके बारे में जो भी जानकारी मिल पाएगी वो बताएंगे। लगभग आधी दूरी हमने तय कर ली है और कैमरे पे कुछ कम दिख रहा होगा कोहरा, लेकिन वास्तव में कोहरा बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी बहुत कम है। तो अभी हम आ गए हैं गोमती नदी के तट पर, ये नैमिषारण्य के पास से ही होकर या नैमिषारण्य के अंदर से ही होकर गुजरती है, और अभी इस घाट के ऊपर चढ़ करके हम देखते हैं, नदी के दर्शन करते हैं, इसके बाद वापस चलेंगे बाजार की तरफ, शहर की तरफ, और फिर बाकी मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो हम घाट के नज़दीक आ गए, ये कुछ श्रद्धालु जल वगैरह लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। आइए तट तक चलते हैं। तो ये हम आ गए बिल्कुल तट पर, पक्की सीढ़ियाँ हैं, काफी पानी है नदी में। और भीड़ भाड़ भी है, आचमन तो कर ही सकते हैं इस ठंड में भी। हर हर गंगे। तो यहाँ एक सत्यनारायण धाम है, अभी वहाँ से होकर आए हैं हम लोग, और वहाँ श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित हो रही है। ये बाबा जी सर के ऊपर शिव महापुराण उठा कर ला रहे हैं, गोमती तट तक गए थे अभी ये लोग, और वहाँ से महिलाओं ने कलश में जल वगैरह उठाया हुआ है। आ गए हैं नैमिषारण्य के अंदर, और यहाँ हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। एक हनुमान जी का मंदिर है यहाँ, बड़ा प्यारा मंदिर है, वहाँ चलेंगे दर्शन करने। उसके पहले ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो पहले हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं, फिर वापस हनुमान जी के दर्शन के बाद खाटू श्याम जी के मंदिर में चलेंगे। और ये सामने दिख रहा है हनुमान जी का दरबार। मगर सत्ता पैसा हनुमान जी के दरबार में भक्त साधुओं में नहीं लगता। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही यहाँ एक अखंड धोनी जल रही है, इस अखंड धोनी से लोग भस्म उठाकर टीका वगैरह लगाते हैं, और ये रास्ता है ऊपर हनुमान जी के मंदिर में जाने का। तो इस मंदिर के विषय में थोड़ी छोटी सी जानकारी यहाँ मंदिर के बाहर ही दी गई है। जिस समय रावण भगवान श्री राम लक्ष्मण को लंका की युद्धभूमि से पातालपुरी में चुरा कर ले गया था और उनके बलि प्रदान की चिंता की थी, सोची थी, तब श्री हनुमान जी महाराज ने पाताल में पहुंचकर अहिरावण का वध किया था। तत्पश्चात भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर लेकर भगवान वापस पृथ्वी मंडल पर आए थे और यहाँ नैमिषारण्य के इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। तो इसलिए ये मंदिर पौराणिक महत्व का भी है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। श्री हनुमान जी की अखंड धोनी है, बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ श्रद्धालुगण आकर के ये चढ़ावे चढ़ाते हैं, और जिसकी जैसी इच्छा होती है अपने संकल्प अनुसार नारियल वगैरह भी इस धोनी में समर्पित करते हैं। जय बजरंगबली। अभी हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर, और ये मुख्य मंदिर है हनुमान जी का, जहाँ हनुमान जी की अति विशाल मूर्ति है, ये स्वयंभू मूर्ति है। श्री हनुमान जी की जय। और इनके ठीक सामने ये राम दरबार सजा हुआ है, और
श्री मुरली मनोहर का भी एक मंदिर यही है। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। हनुमान जी की परिक्रमा पथ पर हैं अभी हम। अत्यंत सुंदर मंदिर है और ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी की भी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करें। जय बजरंगबली। तो एक बार फिर से आपको हनुमान जी के दर्शन करा दें और आगे फिर नैमिषारण्य की यात्रा पर हम निकलते हैं। श्री मकरध्वज जी का छोटा सा विग्रह और ठीक इनके सामने ये गणेश जी का विग्रह। सामने धुनि जल रही है जो अखंड धुनि है। अभी वहाँ से चलकर हम विभूति लेंगे। तो अब आ गए हम श्री खाटू श्याम मंदिर। ये भी एक बड़ा मंदिर है नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री खाटू श्याम जी का। श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर। तो अब हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करके निकल आए हैं और नैमिष में ही एक और स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है, त्रिवेद व्यास जी की गद्दी है। तो अभी हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही सी दूरी पर है और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी जिस स्थान पर हम हैं इसको कहते हैं वेद व्यास जी की गद्दी। ऐसा कहा जाता है कि ये बरगद का जो वृक्ष है ये अति प्राचीन है और इसी के नीचे यहाँ वेद व्यास जी ने तपस्या की थी इस नैमिषारण्य क्षेत्र में और यहाँ पर अनेक ग्रंथों का उद्गम हुआ था। यहाँ दुकानें वगैरह मंदिर बन गए हैं और ये सामने महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जी की तपस्थली है, तो उसमें भी हम चलेंगे। पहले हम वेद व्यास जी की गद्दी के अंदर चल के वेद व्यास जी की गद्दी के दर्शन कर लेते हैं। अंदर भी मंदिर हैं काफ़ी सारे, इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं और फिर चलेंगे मनु शत्रुपा की तपस्थली की तरफ। और यहाँ शौनकादि ऋषियों ने हवन वगैरह किया था तो यहाँ पे एक हवन कुंड भी बना दिया गया है और इसके अंदर धुनी जलती रहती है, अखंड धुनी। पहले इधर चले। तो ये विभिन्न मंदिर हैं छोटे बड़े, इसमें वेद व्यास जी का भी एक छोटा सा मंदिर है, सुखदेव जी का मंदिर दिख रहा है, श्री वेद व्यास जी का मंदिर। और श्री सुखदेव जी का मंदिर। यहाँ एक श्री राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, तो आपको श्री राधे कृष्ण जी का दर्शन कराते हैं। हमारी आपकी सृष्टि के प्रथम माता पिता, प्रथम पूर्वज, आज पितृ मनु और शत्रुपा जी का ये वरदान स्त्री दर्शन है विश्ववास भगवान। राधा कृष्ण भगवान के साथ में जो आप सभी लोग प्रथम स्वरूप देख रहे हैं ये विश्ववास भगवान जिन्होंने स्वयं मनु और शत्रुपा जी वरदान दिया। तो ये अखंड धुनी है जो शौनकादि ऋषियों ने यहाँ बैठकर हवन किए थे श्री शौनक जी के साथ
88,000 अन्य ऋषियों ने इस स्थान पर पूजा पाठ की थी, हवन किए थे, भागवत सुनी थी और अनेक ग्रंथों की रचना की थी। हमारे आप सभी लोगों के जन कल्याण के लिए, आरोग्यता के लिए निरंतर यहाँ पर 1,000 साल तक विष्णु महायज्ञ किया। चार परिक्रमा करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार परिक्रमा करके शौनकादि ऋषियों की तपस्थली और उनके हवन कुंड का दर्शन करने के बाद अब हम इस बरगद वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। ये विशाल बरगद वृक्ष है व्यास जी की गद्दी के पास। इस वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और ये परिक्रमा पितरों के तर्पण के समान मानी जाती है। अपने पितरों के मुक्ति के लिए इस वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं आने वाले लोग और साथ ही इस पर सूत्र भी लपेटते हैं। अब हम आ गए हैं महाराज मनु और महारानी सतरूपा की तपस्थली पर। सृष्टि के प्रथम माता पिता मनु और सतरूपा की तपस्थली, इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में हमारे महाराज मनु और महारानी सतरूपा ने तपस्या की थी और भगवान से वरदान मांगा था कि उनको भगवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। इसी वरदान के फलस्वरूप दशरथ और कौशल्या के रूप में इनका पुनः जन्म हुआ और भगवान ने स्वयं राम के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। ये भगवान मनु की मूर्ति, महाराज मनु की मूर्ति। और इस मंदिर के दूसरी तरफ महारानी सतरूपा की मूर्ति। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो मुख पावहि जो गति लहि। तुलसीदास जी की रचना और ये सुंदर सा मंदिर। अब हम चलते हैं बाहर नैमिषारण्य के अन्य मंदिरों की दर्शन यात्रा पर। नैमिषारण्य तीर्थ के प्रमुख स्थानों में से एक है ये चक्रतीर्थ, जहां अभी हम आ गए हैं। और ये एक गोलाकार सरोवर है जो बहुत ही पौराणिक महत्व का है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने शौनकादि ऋषियों को जो चक्र दिया था वो यहीं भूमि में प्रवेश किया था। और इस चक्रतीर्थ का उल्लेख पुराणों में, देवी भागवत में, महाभारत इत्यादि में मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं और इसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और तर्पण भी करते हैं, अपने पितरों का तर्पण भी करते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो ये एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर भी हैं चारों तरफ। श्री बद्रीनारायण जी का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है और माँ सरस्वती, गणेश जी इत्यादि सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर हैं। ये है वो चक्रतीर्थ और अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरे पर ये कुछ श्रद्धालुगण स्नान भी कर रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं इस चक्रतीर्थ का। इस सरोवर को पक्का कर दिया गया है, घाट बना दिए गए हैं। अभी ये सीढ़ियाँ हाल ही में निर्मित की गई हैं, पुरानी सीढ़ियाँ जो जीर्ण शीर्ण हो गई थी उनको हटा करके उनकी जगह नए पत्थर लगाए गए हैं, रेलिंग लगा दी गई है। तो काफ़ी साफ सुथरा, सुंदर, सुरक्षित हो गया है स्नान के लिए। धूप निकल आई है और हमने आज की यात्रा लगभग संपन्न कर ली है और आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा कर पाएंगे और अगली वीडियो के लिए हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।